भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आगरा में टुगेदर फॉर ए काज ने भगवानटा के चौराहे से लेकर हरि पर्वत चौराहे तक चलाया मास्क लगाओ जागरूक अभियान, जिसके तहत शहर के वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर राशिद चौधरी और रमाकांत सागर के नेतृत्व में सभी पत्रकार और समाज सेवी भाइयों ने रोड पर बगैर मास्क के निकल रही लोगों का टीका लगाकर आरती उतार कर मास्क और सैनिटाइजर वितरण किया। और जो लोग बगैर मास्क के रोड पर निकल रहे थे उनको समझाया कि कोरोना की दूसरी लहर धीमी पड़ी है, कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए मास्क लगाकर घर से निकलें और वैक्सीनेशन कराएं, जिससे आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा हो सके। पत्रकार एसोसिएशन और समाज सेवियों ने चलाया जागरूक अभियान, बिना मास्क के लोगों को सैनिटाइजर और मास्क वितरण किए। भगवान टाकी से लेकर हरि पर्वत तक चलाया गया जागरूक अभियान। आगरा से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। आशीष चौधरी, जिला कांग्रेस कमेटी का आज जिला कोषाध्यक्ष हूँ। और जो आज भगवान टाकिस चौराहा पर जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जो लोग इस चीज़ से बेखबर हैं, जिनके घरों में मायूसियाँ नहीं आई है, जिनके घरों में मायूसियाँ पहुंची है कोरोना काल के दौरान, जिनके घरों में मृत्यु हुई है, उनसे पूछो कोरोना किसे कहते हैं। तो आज के टाइम में जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं या सैनिटाइज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनको इस चीज़ से बेखबर हैं कि कोरोना कितना घातक है। और उनको उनसे सबक लेनी चाहिए, जिनके घरों में मौत हुई है, जिनको पता है कि कितने लोगों के घरें बेघर हो चुके हैं। हम आज जो ये अभियान चला रहे हैं, ये भगवान टाकिस चौराहा पर जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं उनका तिलक कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, और अपने माध्यम से और हमारे दर्पण न्यूज़ के माध्यम से आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, सभी लोग जो बिना मास्क के आ रहे हैं उनको मास्क दिया जा रहा है, जो बिना सैनिटाइज के आ रहा उनको सैनिटाइज प्रोवाइड करा रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैले कि कोरोना बहुत घातक है, इस चीज़ को समझ के लें। अनसमझी में लेंगे तो ये जो अनहोनी है किसी के घर में भी हो सकती है। संस्थापक टुगेदर फॉर अ कॉज संस्था, यहाँ पर क्या प्रोग्राम ले रहा है? देखिए, जब से ये कोरोना की दूसरी लहर शुरू हुई है तब से हम लगातार समाज सेवा में लगे हुए हैं। जैसे हमने आगरा रसोई चलाई, उसके मार्फत जितने भी गरीब लोग हैं उनके यहाँ निःशुल्क भोजन वितरण कराया, उसके अलावा कोविड 19 हेल्पलाइन भी चलाई। हमारा अब ये प्रयास है कि लोगों में एक मेंटेलिटी हो गई है कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ है कोरोना ख़त्म हो गया है, तो हम ये एक जागृति अभियान यहाँ पे शुरू कर रहा है। पिछले हफ्ते भी हमने कराया था, फिर उसी का ये दूसरी कड़ी है। हम ये लोगों को बताना चाह रहे हैं भैया कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, सोशल गाइडलाइन जितनी भी हैं सरकारी गाइडलाइन है उनका पालन करें, सुरक्षित रहें। क्योंकि जैसे अभी आप लोगों ने देखा है कि ये कोरोना जैसे लॉकडाउन ये ख़त्म हुआ तुरंत आंकड़ों में तेज़ी से उछाल आ गया है, तो इसीलिए हमारे ये जागृति अभियान है। और उसमें काफ़ी लोगों का सहयोग मिला, जैसे हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर राशिद जी हैं, हमारे जावेद भाई हैं, ये सब समाजसेवी हैं, उपल जी हैं समाजसेवी भी हैं, संघ में पत्रकार भी, और काफ़ी पत्रकार बंधुओं के संग मिलकर हम लोगों ने इसका निर्माण करा। और इसी क्षेत्र में अब आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे लोगों को हम जागृत और तरीके से कर सकें।